हे गाइस, मैं हूँ सोनिया और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या मतलब, कुछ अपडेट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। सबको पता है मेरे चैनल पे जो भी लोग आते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता है था कि मंगलवार को मेरा और ट्यूसडे को एक स्कैन होना था, अल्ट्रासाउंड होना था, जिसके बाद मुझे ये पता चलने वाला था कि मेरी प्रेगनेंसी किस स्टेज पे है, क्या चल रहा है। और प्रेगनेंसी के साथ साथ मुझे रसौली भी हो गई थी, तो दोनों की क्या स्थिति है। तो मैंने मंगलवार को तो नहीं, बट हाँ बुधवार को, वेडनेसडे को मेरा स्कैन हुआ, और स्कैन होने के बाद रिपोर्ट्स भी आ गई हैं मेरी। और जो एक दूसरी वाली रिपोर्ट्स होती है ना, इधर मेरा एड्रेस वगैरह, नंबर वगैरह, वो भी आ गई है। तो हाँ, तो ये सब पता चलने वाला था कि क्या किस स्थिति में है। जब मैं गई वहाँ पे तो मतलब स्कैन कराने के लिए, तो स्कैन जब हुआ, उन्होंने करके मुझे रिपोर्ट दे दी। मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया कि कितना क्या होना चाहिए। फिर डॉक्टर से जब मैं मिली तो शाम को, तो उन्होंने बोला कि शाम को ही उन्होंने बोला कि सोनिया, प्रेगनेंसी ठीक तो है, लेकिन इसको जैसे मेरा थर्ड मंथ अभी 1 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, चौथा महीना लग जाता, अब नहीं होगा, पहले हो जाता, चौथा महीना लगता है 1 तारीख से। तो उन्होंने बोला कि थर्ड मंथ में जितनी प्रोग्रेस तुम्हारी प्रेगनेंसी में होनी चाहिए थी, उससे बहुत लेस है, बहुत कम आपका जो प्रेगनेंसी है, मतलब उन्होंने एक वर्ड में बोला था, पता नहीं मुझे मेडिकल वर्ड्स होते हैं यार इतना कुछ ना, मैं साइंस के स्टूडेंट भी नहीं हूँ, तो मुझे इतना कुछ पता समझ नहीं आता, मतलब आया। तो उन्होंने बोला, मतलब बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि आपकी जो प्रेगनेंसी है, जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है, मतलब उसके साइज़ या वो उसकी वो मतलब बहुत कम स्पीड से बढ़ रही है। फिर मैं रिपोर्ट में सिर्फ देख के बताऊंगी कि कितना कितना क्या क्या लिखा है। तो मैंने बोला फिर तो, और रसौली का साइज़ जो है मेरी वो बढ़ रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी का साइज़ उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी ज़्यादा दिन तक, और अगर हो भी जाएगी तो 60-65% चांसेस हैं कि जो भी प्रेगनेंसी है वो अपंग भी हो सकती है। ऐसा उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने मुझे समझाने के तौर पे ऐसे मतलब बोला कि हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ इसके भी कुछ चांसेस बन जाएंगे। तो मैं इतना बड़ा चांस ना ले सकती थी, और फिर नहीं लिया। उन्होंने कहा कि क्या करना है अभी आपको। तो मैंने बोला फिर जब ये सक्सेसफुल नहीं रह पाएगी, तो उस टाइम पे दिवाकर हमारे साथ नहीं थे, मैं अकेली डॉक्टर के रूम में थी, यहीं पे हैं संगीता चौधरी, उनके पास ही। तो मतलब तो उन्होंने मुझे मतलब ऐसा समझाया। तो फिर मैंने बोला फिर क्या करना है, कह रही हैं कि अब ये तो आप बताओगे मुझे कि क्या करना है। चांसेस मैंने जो बताना था आपको बता दिया ये रिपोर्ट्स देखने के बाद। तो फिर मैंने बोला तो कुल मिला के अबॉर्शन करना है, तो उनका अब वो आप बताओ करना है कि नहीं करना है। मैंने कहा अगर करना है आगे चल के भी, अब मुझे यही करना है, तो मैं आगे चल के और रिस्क क्यों लूँ, फिर आप कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 2-3 दिन का टाइम ले लो, सोच लो, फिर बता दीजिएगा। फिर मैंने बोला कि जब कराना ही है मुझे, जब यही करना है, तो मैं 2-3 दिन का टाइम क्यों लूँ यार, क्योंकि मैं हर दिन दर्द सह रही हूँ पेट में, मैं हर दिन परेशान हो रही हूँ, हर दिन डर लगने लग रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं। तो फिर मैं इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी के साथ मैं 2-3 दिन फिर क्यों और बिताऊँ, जब मुझे करनी वही चीज़ है। तो फिर मैंने बोला अगर अबॉर्शन करना है तो आप आज ही कर दीजिए, उनका आज ही कर दें। मैं शाम को गई थी, बता रही हूँ आपको, शाम को गई थी मैं तो उनकी मतलब ये करवाने के लिए अबॉर्शन, मैं शाम को गई थी। तो वहाँ पे फिर दूसरी डॉक्टर थी, उस टाइम पे वो नहीं थी जिनसे मैं मॉर्निंग में मिली थी, वो नहीं थी, शाम को दूसरी डॉक्टर मिली थी। फिर मैं शाम को गई और मैंने वहाँ पे फिर मतलब ऐसे मतलब अबॉर्शन फिर करवा दिया अपने आप, फिर मैंने करवा दिया, क्योंकि इतना दुख सह के नहीं कर सकती ना मैं कुछ, और फिर ना ही मैं इतना ज़्यादा मतलब
अगर मैं चांस ले लूँ, अगर मैं रिस्क ले भी लेती हूँ और कल को कोई बात हो जाती, मतलब मेरे साथ नहीं अंदर ही कोई बात होती इंटरनली, तो फिर कौन जिम्मेदार होता? फिर ये तो बेवकूफ़ी होती ना मेरी कि सब कुछ जान के समझ के रिस्क देख कर फिर मैं अनदेखा कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए गलत होता, मेरे लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाता वो चीज़। तो फिर मैंने बोला कि मैं, मेरे को आज ही अबॉर्शन कराना है, आप मेरा अबॉर्शन कर दीजिए। तो फिर शाम को जब मैं गई तो मतलब जैसे ये मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही पूछा कि मेडिसिन से हो जाएगा, तो सबने मुझे बोला कि मैं डुगू बुला रहा है। हाँ तो वो घर से कॉल आ रहा था, तो डुगू को मैंने मोबाइल दे के बिठाया होता ना, घर से फ़ोन आ रहा था बार बार, मतलब घर से मतलब ससुराल से देवरिया से, तो इसलिए वो बुला रहा था मुझे। हाँ तो मतलब मैं इस तरीके से वहाँ जब गई वॉशिंग के लिए, तो मैंने पूछा कि दवाई मेडिसिन्स खा के हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, 3 महीने की प्रेगनेंसी मेडिसिन से नहीं जा सकती है, और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो फिर वो आपके सेहत के लिए भी बहुत हार्मफुल होगी, और ये प्रेगनेंसी मेडिसिन से जाएगी भी नहीं। 5 वीक, 6 वीक इनकी बात अलग होती है, 4 वीक, 3 वीक, लेकिन ये आपकी अब 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी होने वाली है तो ये जा ही नहीं सकती है। तो फिर मतलब फिर मुझे थोड़ा सा और मतलब ऐसे मतलब ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, कभी हुआ नहीं है, तो फिर कितना डर लग सकता है आप लोग सोच सकते हो। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लग गया। उन्होंने कहा चलिए, मतलब मुझे नर्सेस से बोला कि इनको ले जाके इनकी ड्रेस चेंज करवाइए और इनको वहाँ पे मतलब जो टेबल थी उनकी वहाँ पे लिटा दीजिए। तो फिर वहाँ पे मैंने जो है, 1 मिनट रुकेगा, तो हाँ फिर मैं वहाँ पे मतलब लिटाया गया मुझे। टेबल पे लेटते ही जब डॉक्टर आई, वो जो भी उनके पास था इतना कुछ सामान वो जब लेके आई, तो मुझे इतना डर लगने लग गया, और मैं रो नहीं रही थी लेकिन मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और मतलब मुझे इस बात का दुख नहीं हो रहा था कि अबॉर्शन हो रहा है करके, मुझे दुख इस बात का होता है यार शरीर की, मतलब शरीर के कितनी दुर्गति हो रही है। एक एक औरत का शरीर वैसे भी फिर से कॉल आ गया, 1 मिनट रुकेगा, हेलो। तो हाँ मैं फिर मतलब आंसू गिर रहे थे, तो डॉक्टर कह रही हैं कि नहीं करना है, मैंने कहा करना है, तो कह रही है फिर थोड़ा सा हिम्मत बना के रखो ना, फर्स्ट टाइम है ये, फर्स्ट टाइम अबॉर्शन, फर्स्ट अबॉर्शन है। मैंने कहा नहीं, इसके पहले एक और हुआ था लेकिन वो अपने आप हुआ था, उसमें मतलब कुछ करना नहीं पड़ा था। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, बहुतों के साथ होता है, सबके प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो इतना ज़्यादा आप डरोगे ना तो फिर हम लोग भी बहुत कॉन्शियस जाएंगे करने के लिए, तो आप थोड़ा सा हिम्मत बनाइए। मैंने कहा आप प्लीज़ धीरे धीरे करिएगा, मेरे को दर्द ना हो, मैं दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। तो कह रही हैं आपकी आपकी मतलब चूँकि मेरे, जब आप प्रेग्नेंट होने के बाद आपका कोई बच्चा होता है, और तो चूंकि डुगू हो चुका है तो पेट के पास ना स्क्रैचेस बनते हैं, तो उससे पहचान होती है कि हाँ ये लेडी पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो उन्होंने कहा आपका कोई बच्चा और भी है ना? तो मैंने बोला हाँ एक बेटा है मेरे को, 4 साल का। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी थी, ऐसे मुझसे बात कर रही थी और वो कर भी रही थी, तो कह रही नॉर्मल डिलीवरी थी? मैंने बोला हाँ जी नॉर्मल डिलीवरी थी। कह रही कहाँ पे हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में? मैंने कहा लोकनायक में। तो फिर बोलती है मुझे कि नॉर्मल डिलीवरी थी, दर्द तो बहुत हुआ होगा तुम्हें? मैंने कहा हाँ दर्द तो हुआ था। फिर उन्होंने बोला कि मतलब ऐसी बात कर रही थी डुगू के बारे में, फिर मुझे फिर दर्द होना शुरू हुआ। फिर मैंने बोला मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर उन्होंने पता नहीं कोई इंजेक्शन लगाया मुझे, जब तक ये सब हुआ पूरा प्रोसेस तब तक तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन होने के लमसम लगभग 15 मिनट बाद मुझे जो दर्द हुआ है, मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि कितना ज़्यादा दर्द हुआ है मुझे, कितना ज़्यादा दर्द हुआ है। वो शायद वो इंजेक्शन लगाया था उन्होंने, अब मुझे नहीं पता, शायद वो सुन कर दिया था उन्होंने कि पता ना चले मुझे, या फिर उन्होंने मतलब वो किस चीज़ का इंजेक्शन था मैंने ना ही पूछा ना उन्होंने बताया, लेकिन उस इंजेक्शन के बाद मुझे कुछ फील नहीं हुआ वहाँ पे, और बात कर रहे थे और हो रहा था, लेकिन उसके बाद सब कुछ होने के बाद 15 मिनट बाद जब मुझे जो वो दर्द हुआ है, वो दर्द हुआ है
कभी किसी को नहीं होना चाहिए ऐसा दर्द। इवन मेरी नॉर्मल डिलीवरी है डुगू के टाइम की, मैंने वो दर्द डुगू के टाइम पे भी बर्दाश्त नहीं किया है, उस टाइम जो मैंने दर्द बर्दाश्त किया इस वाली प्रेगनेंसी में, बहुत पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था, इतना ज़्यादा पेन था कि होने के बाद मैं चीख रही थी, बिल्कुल एकदम चीखें निकल रही थी मेरी। और उन्होंने उस टाइम मतलब फिर वहाँ पे जो सिस्टर्स थी नर्सें थी वो आई, उनने कहा अब तो हो गया, अब क्यों रो रहे हो, अब क्यों। मैंने कहा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कह रही हाँ थोड़ा बहुत होगा। फिर उसके बाद कुछ मेडिसिन वगैरह दी गई, थोड़ा सा काम डाउन हुई मैं। फिर मैं वहाँ पे चूँकि दर्द ज़्यादा था मुझे, तो मैं वहाँ पे 4-5 घंटे वहाँ पे और थी, और उसके बाद फिर मैं घर आई। और बस उसके बाद से एक दो मेडिसिन ले रही हूँ बस, और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही हैं। कॉल आ गया फिर से, घर से कंटिन्यू कॉल आ रहा है, लोग परेशान हो रखे हैं बिल्कुल मेरे लिए बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरे मैं जब हॉस्पिटल में ही थी तो मेरे को मेरे अंदर एक दवाई भी रखी गई है, उससे जो मुझे ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग के दौरान वो गांठ जो है उसके बाहर आने के लिए ऐसा कुछ किया गया है, और वो 15-17 days का टाइम ले गया गांठ बाहर आने में, इसके बीच में कभी भी आ सकता है। और मैं आपको रिपोर्ट्स का वो जो कुछ बताती हूँ, ये मेरी जो प्रेगनेंसी है इसका GSD कोई चीज़ होती है, GSD जो है वो 19 mm है, जो कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन बहुत कम है। और ये प्रेगनेंसी जो है वो 8 weeks 3 days की है, 8 हफ्ते 3 दिन की है। और CRL कुछ होता है तो ये 4 mm है, जो कि 8 weeks 5 days का है। और EDD बाई USG ये सब अलग चीज़ें हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा होना चाहिए था बट ये बहुत कम है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई है। और ये जो मेरा अल्ट्रासाउंड था ये सुनील धवन डॉक्टर हैं, इन्होंने किया था, यहीं पे हैं घर के पास में ही, और ये अल्ट्रासाउंड की वो रिपोर्ट है। तो ये सब चीज़ें थी और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट इट्स ओके, ठीक है। मैं मुझे अब मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा था, थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि नहीं नहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, अब क्या करूँगी, फिर क्या होगा। लेकिन अभी मुझे बिल्कुल रिलैक्स हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हल्की हो गई हूँ, मुझे ये भी हल्की हो गई, मतलब कि एक बोझ सा निकल गया है, एक अजीब सी जो हर वक्त एक घबराहट चल रही थी अंदर कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, अगर वैसा होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा तो फिर वो होगा, वो सब चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। और मैं हालांकि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि यहाँ पर कोई और है नहीं और दिवाकर को ऑफिस भी जाना है, पूरी 9 घंटे की शिफ्ट करनी है, 1 घंटा आने जाने का देना है, तो वही उनको भी 11-12 घंटे ऑफिस में देने ही देने हैं, तो मेरी केयर एक्चुअली में यहाँ पे हो नहीं पा रही है। मैं जिस दिन आई हूँ बस उसी दिन मैं 3-4 घंटे लेटी हुई थी, उसके बाद जब घर गंदा हुआ देखा फिर ये चीज़ें, फिर मैं काम वाम करने के लिए उठ गई, तो जो कि गलत था गलत है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊँ और जहाँ मुझे मेरी बॉडी को थोड़ा रिलीफ मिले, क्योंकि आप जब दवाई खा के एक अबॉर्शन होता है वो एक अलग चीज़ होती है, वो बहुत इजी होता है कंपेयर टू दिस। अगर मैं इस वाले जो मैन्युअली हुआ है मेरे साथ, इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो दवाई वाला ऑप्शन मच बेटर होता है, कम से कम आपके शरीर की दुर्गति तो नहीं होती ना, यहाँ पर तो कुछ बचता ही नहीं है। फाइनली बस यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी, आगे अब जो भी कुछ होगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। और होप सो कि ऐसा वाला दर्द किसी को नहीं झेलने को मिले, किसी को भी नहीं झेलने को मिले, जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, बाकी ईश्वर के हाथ में है। बाय।